ये खबर जहां पर केंद्र जेल रायपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह आज है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बापू की करुणा का संचार करेंगे। जेलों में सदाचार विषय पर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। गृह एवं जेल मंत्री ताम्रध्वज साहू कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सांसद सुनील सोनी, विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप सिंह जुनेजा और विकास उपाध्याय इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम के अतिथि वक्ता वरिष्ठ पत्रकार सोपान जोशी होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराष्ट्र विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात कीजिए, हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या और जानकारी हम मिल पा रही है? पहले जो सप्ताह व्यापी कार्यक्रम है उसकी आज शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय जेल में बापू की करुणा का संचार, जेलों में सदाचार, इस नाम से जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाएगा। और जो सप्ताह व्यापी कार्यक्रम है उसकी आज शुरुआत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। जेल में जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद सुनील सोनी, विधायक कुलदीप जुनेजा, विधायक विकास उपाध्याय, तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहाँ पर अतिथि वक्ता के रूप में सुमान जोशी, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके भी बुलाया गया है। वहाँ पर पूरा कार्यक्रम होगा किस तरीके से जब जेल में थे बापू तो उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर जीवन व्यतीत किया था, क्या उनकी जीवन शैली थी, सभी चीजों को लेकर वहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक तरह से इसको जो कांग्रेस ने पहले, सरकार ने पहले ही तैयारी की थी कि सप्ताह व्यापी कार्यक्रम इसको लेकर चलाया जाएगा, उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। इसके बाद अब कल जिस तरीके से 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती है, तो अनेक कार्यक्रम अब आज से शुरू हो जाएंगे। जी, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि कल कुछ खास कार्यक्रम रखे जाने वाले हैं, उनको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं और कौन कौन से विशेष कार्यक्रम हैं जिसमें कल खास तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे? देखिए, 2 अक्टूबर से 3 से 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार करने जा रही है। सबसे बड़ा अभियान जो है सुपोषित छत्तीसगढ़, बस्तर में कुपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए वहां पर अभियान चलाया गया था, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन से सुपोषित छत्तीसगढ़ एक अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि 37% बच्चे यहाँ पर कुपोषित हैं। तो उसी की दिशा में लगभग जो तैयारी है वो पूरी हो गई है और इसके लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री क्लिनिक की भी शुरुआत यहाँ पर होगी, तो 2-3 जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है। इसके अलावा कल राजधानी रायपुर में पदयात्रा का भी आयोजन है, गांधी मैदान से जयस्तंभ चौक तक पदयात्रा निकलेगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो है वो विधानसभा का विशेष सत्र है, जो 2 और 3 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में बुलाया गया है। और विशेष तौर पर इसमें एक खास बात यह है कि सभी विधायकों को कुर्ता और पैजामा में आने का निर्देश दिया गया है। बकायदा इसके लिए सरकार ने सभी जो विधायक हैं उनके लिए कुर्ता पैजामे की जो व्यवस्था है वो की है यहाँ पर। इसके अलावा जो महिला विधायक हैं वो भी एक कलर की ही साड़ी में वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो एक तरीके से ये कोशिश है जो संस्कृति है कांग्रेस की उसको दर्शाने की, और जिस तरीके से अभी गांधी को लेकर जो विवाद चल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाहती है कि गांधी को लेकर विवाद ना हो। गांधी सबके हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यही दर्शाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की सरकार कर रही है। और 2 और 3 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में विशेष सत्र का आयोजन वहां पर किया गया है। पूरी गांधी जी के विचारों और वापस आएंगे। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। रायपुर